हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे चिकन लेग पीसेस और विंग्स का स्टीम रोस्ट, और वो भी बिल्कुल थोड़े से ऑयल में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने चिकन के ऊपर कट्स लगा लिए हैं और मैंने लिया है 2 kg चिकन। हम सबसे पहले इसको मैरिनेट कर लेंगे। विंग्स आपने थोड़े बड़े साइज़ के लेने हैं। मैरिनेशन के लिए हल्दी मैंने ली है 1 teaspoon, 1.5 tablespoon नमक, 1.5 tablespoon लाल मिर्च पाउडर, ये दोनों चीज़ें 1 tablespoon, और ब्लैक पेपर मैंने काली मिर्च ली है 1 teaspoon, और ये है फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर भी मैंने लिया है 1 teaspoon, ये दही मैंने लिया है, और ये सफ़ेद और काले तिल लिए हैं। काले तिल मैंने कम लिए हैं और सफ़ेद ज़्यादा लिए हैं, और दही मैंने लिए हैं 5 tablespoon। तो ये थी सारी चीज़ें जो मैरिनेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। इसकी मैरिनेशन बिल्कुल सिंपल है। अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को, दही को और तिल को, हम इसके अंदर ऐड करेंगे। सबसे पहले दही, इसके बाद सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अब इसके अंदर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। स्पून की हेल्प से ये इतनी अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होंगी सारी चीज़ें, तो आपको अच्छी तरीके से हाथ धोकर, तो हाथों से इसको मिक्स करना है जिस तरह मैं कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से हर एक पीस पे मसाला लगना चाहिए। तो ये देखिए, ये अच्छे से मसाला लग चुका है इसको। अब इसको हमने तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखना है ताकि अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। मैक्सिमम आपको इसको 2 से 3 घंटे तो रखना पड़ेगा ताकि इसके अंदर तक मसाला जाए। तब हम इसको फ्रीज़र में रख देते हैं। जी, 3 घंटे हो चुके हैं और मैंने इसको फ्रीज़र से निकाल लिया है, और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से इस पर मसाला लग चुका है। ये बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हुआ है। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसके अंदर 1 tablespoon कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। इसके अंदर सारे चिकन पीसेस रख देंगे। सिर्फ इतना सा ही ऑयल हमारा लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि पहले हम इसको स्टीम करेंगे। तो इस तरह से सारे पीसेस को इसके अंदर रख देंगे। चिकन के लेग पीसेस की मैं वीडियो पहले से बना चुकी हूँ, और अब मैं आपके साथ चिकन के लेग्स की और विंग्स की शेयर कर रही हूँ। वो तब मैंने बड़े पीसेस लिए थे, तो उसकी वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ये सारे पीसेस मैंने रख दिए हैं, और अब ये जो दही का पानी है थोड़ा सा बचा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाला है, इसलिए इसको भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। और ये लेमन जूस है, 1 अदद लेमन लेके मैंने उसका जूस निकाल लिया था, तो वो अब ऐड किया ऊपर से। अब इसको कवर कर देंगे। साइडों से तो बिल्कुल अच्छे तरीके से बंद हो जाता है, तो इसका एक साइड पे होल है, तो उस जगह पे मैंने इसको अच्छे से, इसके साथ कोई भी पेपर आप रख लें, बटर पेपर के साथ मैंने इसको कवर कर दिया ऊपर से। अब हम इसको 35 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो फ्लेम मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कितना रखना है। आपने पहले 10 मिनट इतना फ्लेम रखना है, मीडियम। उसके बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है।
तो जी 35 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको खोलेंगे। तो ये अच्छे तरीके से गल चुका है, अच्छे तरीके से स्टीम हो चुका है। अब हम इसके पीसेस को साइड पे निकाल लेंगे, किसी भी चीज़ में आप इसको निकाल सकते हैं। हम इसको निकाल लेंगे इसके अंदर। देखिए मैंने निकाल लिया, मैं आपको चेक करवाती हूँ कितने अच्छे तरीके से ये गल चुका है। और ये जो बाकी अंदर सारी ये ग्रेवी है इसको निकाल लेंगे, और जो ऑयल है वो अंदर ही रहने देंगे। इसको एक दफ़ा मैंने वॉश कर लिया, और जो ऑयल था इसके अंदर ही वही दोबारा से इसके अंदर ऐड करूँगी। सिर्फ इतना सा ही था बचा, तो यही ऐड करूँगी और ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। अब इसके अंदर ही एक एक दो दो पीस कर कर इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ कर रही मैं इसके अंदर ही, मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से आप कर सकते हैं। ज़्यादा ऑयल में इसको डिप करके फ्राई करते हैं तो इतना हेल्दी नहीं रहता, अंदर तक इसके ऑयल चला जाता है। तो इसको हम कम ऑयल में ही फ्राई करेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से इस पर कलर आया है। इसी तरह सारे पीसेस को हम करेंगे। इसकी साइड्स को चेंज कर करके आपने इसको करना है, और इतना ज़्यादा फ्लेम नहीं रखना, मीडियम ही रखना है ताकि इसके ऊपर कलर आए, ये जले ना। इसी तरह बाकी सारे भी कर लेंगे हम। इसको आप किसी भी दूसरे बर्तन में निकाल सकते हैं, और बाद में आप इसको सर्व करने के लिए किसी और बर्तन में इसको रख सकते हैं। मैं सारे कर लूँगी। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर इसके ऊपर आया है। मैं आपको एक लेग पीस भी कर दिखाती हूँ कि इसके ऊपर कलर कैसा आता है और इसका फाइनल लुक कैसा होता है। इसकी साइड चेंज कर करके आपने इसको फ्राई करना है। ये देखिए मैंने काफ़ी ज़्यादा कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मेरी वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।